हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है डिफाई स्पेस फीट स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे इस स्मार्ट वॉच के कुछ फीचर्स, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर्स, और साथ ही में इसका जो टेम्परेचर सेंसर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपके पास ये स्मार्ट वॉच है या फिर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, इससे आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इस स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर्स, और उसे टेस्ट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स है। जो पहला स्टेप है वो है सरफेस टेस्ट। तो सरफेस टेस्ट में हम इस स्मार्ट वॉच को इस सरफेस पर रखेंगे और देखेंगे कि इस सरफेस का ये हार्ट रेट एंड SpO2 मेजर करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं इसका हार्ट रेट ऑन करता हूँ। ये मैंने मेजरमेंट ऑन कर दिया है, देखते ये करता है कि नहीं। तो ये इस सरफेस का भी हार्ट रेट मेजरमेंट ले रहा है। अब इसका SpO2 भी चेक कर लेते हैं कि क्या SpO2 भी इस सरफेस का मेजरमेंट लेता है। तो SpO2 सेंसर भी इस सरफेस का मेजरमेंट ले रहा है। तो सरफेस टेस्ट में ये स्मार्ट वॉच फेल हो गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर है वो फेक है। बस इसका मतलब ये है कि ये स्मार्ट वॉच लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो अब हम करेंगे इसका एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में हम इस स्मार्ट वॉच को ऐसे हवा में रखेंगे और इसके सेंसर्स को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसके सेंसर जो है हार्ट रेट एंड SpO2 वो रीडिंग लेते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका हार्ट रेट ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया, देखते हैं ये रीडिंग लेता है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रीडिंग ले रहा है हवा में भी। तो इसका SpO2 भी चेक कर लेते हैं। तो इसका SpO2 भी रीडिंग ले रहा है हवा में। तो ये स्मार्ट वॉच एयर टेस्ट में भी फेल होता है। इसका मतलब ये है कि ये स्मार्ट वॉच डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आपने इसे पहन रखा है या फिर आपने इसे कहीं पे भी रखा हुआ है टेबल पे, ये डिसाइड नहीं कर सकता। तो अब हम करेंगे इस स्मार्ट वॉच के जो हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर है उसका फाइनल टेस्ट। इसमें हम इस स्मार्ट वॉच को अपने रिस्ट पे सेट करेंगे और फिर इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके रिजल्ट को हम ऑक्सीमीटर के रिजल्ट से मैच करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये स्मार्ट वॉच सच में हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर कर पाता है या नहीं। तो मैंने स्मार्ट वॉच को अपने रिस्ट पे सेट कर लिया है और इस फिंगर में मैंने ऑक्सीमीटर को सेट कर लिया है। अब दोनों ही के ही रिजल्ट को हम साइड बाय साइड ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट शो करता है स्मार्ट वॉच। ये मैंने स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर दिया है और ये ऑक्सीमीटर में भी ऑन हो चुका है। ऑक्सीमीटर में रिजल्ट आ चुका है 85 और जो स्मार्ट वॉच है उसके अंदर 80 और बढ़ रहा है अभी 83। तो जो स्मार्ट वॉच है उसका जो रेंज है वो ऑक्सीमीटर के रेंज के आसपास है 85-87। तो एक दो यूनिट का डिफरेंस है दोनों के बीच में है, बट जो रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक बार मैं दोबारा से इसका ऑक्सीमीटर हार्ट रेट मॉनिटर ऑन करता हूँ। आप देख सकते हो दोबारा से जो इसकी रीडिंग है वो ऑलमोस्ट सेम रेंज में है 86-88, मतलब एक दो यूनिट का डिफरेंस है लेकिन जो रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है। जब ऑक्सीमीटर में हार्ट रेट बढ़ रही है तो स्मार्ट वॉच में भी हार्ट रेट बढ़ रही है, और जब ऑक्सीमीटर में डाउन हो रहा है हार्ट रेट तो स्मार्ट वॉच में भी डाउन जा रहा है रीडिंग। तो इसका मतलब जो स्मार्ट वॉच की रीडिंग है हार्ट रेट की वो सही है। अब इसका जो ऑक्सीमीटर है उसका भी चेक कर लेते हैं, SpO2 लेवल भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीमीटर में तो 98 आ रहा है SpO2, स्मार्ट वॉच में देखते कितना आता है। आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच में भी 98% आया है ऑक्सीमीटर की रीडिंग, SpO2 की रीडिंग। एक बार दोबारा से मैं रीडिंग कर लेता हूँ और ऑक्सीमीटर की भी रीडिंग दोबारा लेता हूँ मैं, देखते हैं SpO2 लेवल क्या आता है दोनों में। ऑक्सीमीटर में दोबारा से 98 आया है और स्मार्ट वॉच में भी 98% आया है। तो जो इसकी रीडिंग है SpO2 और
हार्ट रेट की रीडिंग, अगर आप इसको अपने रिस्ट पे बांध रहे हो तो इसकी रीडिंग सही आ रही है, मतलब ऑक्सीमीटर से अगर हम मैच करें तो इसकी रीडिंग सही है, एक्यूरेट है। 1 से 2% का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम है इसकी रीडिंग, ऑक्सीमीटर के साथ मैच कर रहा है इसकी रीडिंग। तो हम कह सकते हैं कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर जो हार्ट रेट सेंसर है और जो SpO2 सेंसर है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। बस ये है कि ये स्मार्ट वॉच डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आपने स्मार्ट वॉच को पहना है या नहीं पहना है। ये अगर आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे भी रखोगे या फिर किसी सर्फेस पे भी रखोगे तो ये रीडिंग ले लेगा। तो फाइनल टेस्ट में स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर पास होता है। और स्मार्ट वॉच के अंदर हमें टेम्परेचर फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है जिससे मैं इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकूं, बट मैं ये जरूर चेक करके आपको बता सकता हूं कि इसका जो टेम्परेचर फीचर है वो काम करता है कि नहीं। तो इसके पहले तो हम ये टेम्परेचर फीचर ऑन करते हैं। इसकी ऐसे ही एक नॉर्मली देखते हैं क्या टेम्परेचर शो कर रहा है, 36.3। इसको 5-6 सेकेंड तक हम ऐसे ही रखेंगे और देखेंगे कि कोई फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं इसमें। तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा इसमें। अब मैं अपनी ये फिंगर इस पे इसके सेंसर पे रखूंगा और देखूंगा टेम्परेचर में कोई चेंजेस आता है कि नहीं। ये मैंने रख दिया, आप देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, 36.5 हो गया है, 36.6, 36.7। तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे ही मैंने फिंगर रखा है सेंसर पे। तो 36.8 पे अभी फिलहाल ये स्टेबल हो चुका है। अब मैं एक और टेस्ट करूंगा इसका। मैं क्या करूंगा कि मैं एक आइस क्यूब लूंगा, आइस क्यूब पे अपनी फिंगर रखूंगा जिससे मेरी फिंगर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और फिर मैं देखूंगा कि इसके सेंसर पे टच करते इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है कि नहीं। फिलहाल मैंने अपनी फिंगर हटा दी तो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है थोड़ा सा, ये देख सकते हो। ये आइस क्यूब है, इस पर मैं अपनी फिंगर रख रहा हूँ, 5-6 सेकेंड में अपनी फिंगर इस पर रखूंगा, उसके बाद मैं अपनी फिंगर इसके सेंसर पर टच करूंगा और फिर देखूंगा इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है या नहीं। हो गया, मेरी फिंगर बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं टेम्परेचर इस पे रखता हूँ, ये देखिए टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो 34.9 हो चुका है टेम्परेचर, इसे और ड्रॉप होना चाहिए बट आई थिंक ये 34.9 से नीचे नहीं आता। अब मैंने ये फिंगर रखी, अब ये फिंगर जो मेरी है ये नॉर्मल है, इस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अब मैं अपनी ये वाली फिंगर वापस से इसके सेंसर पे रखता हूँ, देखता हूँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है या नहीं। ये देखिए मैंने रख दिया, ये देखिए रखते ही टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो काम कर रहा है, बट वो कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ काम कर रहा है। तो अब हम इसका जो स्टेप ट्रैकिंग फीचर है वो टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट करने के लिए हम इसका जो एक्टिविटी वाला ऑप्शन है इसके अंदर वॉकिंग मोड ऑन करेंगे, और फिर मैं इसे स्मार्ट वॉच को पहन के 100 स्टेप्स वॉक करूंगा और देखूंगा कि 100 स्टेप्स पर ये स्मार्ट वॉच कितने स्टेप्स काउंट करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे स्टेप 0 है, यहाँ पे BPM शो कर रहा है। तो अब मैं इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैं वॉक करता हूँ, 100 स्टेप्स वॉक करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट शो करूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 100 स्टेप्स मैंने वॉक किए और 100 स्टेप्स पे इसने 115 स्टेप्स काउंट किए। तो एक्यूरेसी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक्चुअली इन स्मार्ट वॉचेस की जो वर्किंग होती है वो आपके हैंड मूवमेंट के ऊपर ये स्टेप्स काउंट करते हैं। वो आप अगर 100 स्टेप्स अगर वॉक किए आपने, बट अगर आपने आपकी जो हैंड मूवमेंट है वो 100 से ज़्यादा या फिर थोड़ा सा इसके स्पीड वेरिएशन पे भी डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से ये स्टेप्स काउंट करता है। तो ये वैसे भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, बट फिर भी आप 80 से 90% एक्यूरेसी इसकी मान के चल सकते हो कि जब भी आप इस फीचर को यूज़ करो तो 80 से 90% एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। तो स्टेप ट्रैकिंग फीचर तो ठीक ठाक है, लेकिन जो इसका हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर है वो अच्छे से काम करता है, और इवन जो इसका टेम्परेचर सेंसर है वो भी काम करता है, बट उसकी एक्यूरेसी मुझे नहीं पता कितनी है बिकॉज उसको मेजर करने के लिए मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, बट काम करता है दैट इज़ फॉर श्योर। तो इस स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट, SpO2 सेंसर्स और टेम्परेचर सेंसर्स हमने टेस्ट करके आप लोग को दिखा दिया है कि इनकी वर्किंग कैसी है। बाकी जो स्टेप ट्रैकिंग है उसका भी हमने आपको रिजल्ट दिखा दिया है। आप डिसाइड कर सकते हो कि स्मार्ट वॉच का जो फिटनेस फीचर और जो सेंसर है आपके लिए कैसे हैं, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है स्मार्ट वॉच को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।